जमीन खिसकी, पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। लगातार बारिश की वजह से करीब 28 घंटे से राष्ट्रीय राजमार्ग रुका हुआ है। लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी सामने आई जिसमें पहाड़ से नीचे बड़ा मलबा पत्थर गिरते हुए नजर आ रहा है। चमोली में ये जमीन खिसकी है, ये देखिए आप किस तरीके से राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। और ये चमोली नहीं, उत्तराखंड और हिमाचल में स्थिति लगभग ऐसी ही है। इसीलिए मानसून वाले आप इस सीजन में पहाड़ी इलाकों में जाने से बचें, क्योंकि वहाँ पग पग पर खतरा है। जब भी बरसात होगी ये मलबे वाले पहाड़ नीचे की ओर दरकेंगे और इससे बड़ा हादसा भी हो सकता है। और जो ये पहली तस्वीर है ये चमोली से सामने आई है, उत्तराखंड का चमोली है। यहाँ पर फिर से लैंडस्लाइड देखने को मिला। ये मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि इस लैंडस्लाइड की वजह से बाधित हो गया। उधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत पर जमीन खिसकने का दौर जारी है। वहां प्रशासन मुस्तैद है, कई परिवार वहां से सुरक्षित जगह पर पहुंचाए गए हैं। जिला प्रशासन बफर जोन में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की योजना बना रहा है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में 4 सितंबर को वरुणावत पर्वत पर 45 मिनट में 5 बार लैंडस्लाइड होता है। लगातार हो रही लैंडस्लाइड के बाद उत्तरकाशी से करीब 50 परिवार अपने अपने घरों को छोड़कर वहां से चले गए। विकास नगर में भी कुदरत का कहर जारी है, लगातार जमीन का कटान यहां हो रहा है। राज्य एक ही है, शहर अलग अलग जरूर हो सकते हैं, जगह अलग अलग जरूर हो सकती है, लेकिन तस्वीर एक ही है कि पहाड़ किस तरीके से खिसक रहे हैं। और उत्तरकाशी में तो अब ये स्थिति और चली है कि लोगों को वहां से पलायन करना पड़ रहा है, वहां से जाना पड़ रहा है। ये देखिए उत्तरकाशी में इतनी जोर से लैंडस्लाइड हुआ है, लोगों में खौफ है कि कभी भी उनका घर भी नीचे ढह सकता है। और कटान में भी, विकास नगर का ये एरिया आप देख लीजिए, कुछ घर कटान में चले जा रहे हैं, इसीलिए लोगों को अब यहाँ से मूव करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के बद्दी में नदियां उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते बालद नदी का जलस्तर एकदम से बढ़ गया है, जिससे नदी में एक प्रवासी मजदूर फंस गया। प्रवासी की जान बचाने के लिए पुलिस और फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारियों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रस्सी की मदद से मजदूर को निकालने की कोशिशें की गई, लेकिन जब मजदूर को रस्सी से भी बाहर नहीं निकाला जा सका तो मौके पर बड़ी मशीन बुलाई गई। क्रेन की तरह दिखने वाली मशीन को बुलाकर इसकी मदद ली गई। मशीन की मदद से प्रवासी मजदूर की जान बचाई गई। पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये मजदूर देखिए इस नदी के बीचों बीच फंस गया है। पहले रस्सी का सहारा लिया गया कि इसको बचाया जा सके। देखिए दूसरे छोर पर आपको कुछ लोग मौजूद दिखाई देंगे, पुलिसकर्मी मौजूद दिखाई देंगे। ये देखिए हम दूसरी तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, रस्सी का सहारा लिया गया, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि रस्सी के सहारे नहीं इसे बचाया जा सका। उसके बाद इस मशीन का इस्तेमाल किया गया और इसे एक तरीके से एयरलिफ्ट करके दूसरी साइड लाया गया। देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल गया है। उत्तर भारत में मॉनसून एक्टिव है, दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से कई जगह पानी भर गया है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर में सुबह से भारी बारिश हो रही है और जयपुर में कई इलाके पूरी तरीके से पानी में डूब गए हैं। बारिश का पानी घरों में घुस गया है, जिससे घर के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर में कई इलाकों की सड़कों पर सैलाब देखा गया, जगह जगह पानी भरने से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कई जगह कारें भी पानी में आधी डूब गई हैं। ये देख लीजिए पिंक सिटी की तस्वीर है ये, और गुलाबी शहर में इस वक्त माहौल किस तरीके से परेशान करने वाला है, क्योंकि यहाँ हर जगह पानी भर गया है। और ये कुछ घंटों की बरसात है, कुछ घंटों की बरसात के बाद जयपुर की स्थिति आप देख लीजिए, और अभी भी राहत नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ घंटे और बारिश हो सकती है, यानी कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और अगर बारिश होती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं स्थिति क्या होगी। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों की स्थिति आप देखिए, गाड़ियां डूब गई हैं उनकी और नीचे उनके घरों में पानी भरने लगा है। जयपुर में बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा है और भारी बारिश आज सुबह से लगातार तकरीबन 4 घंटे बारिश हुई, उस वजह से शहर में कई इलाकों में पानी भर गया। खासतौर पर जो अजमेर रोड का इलाका है वहां पर कॉलोनियों के अंदर आप देखिए कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ घुटनों से ऊपर पानी है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा वहां पर जहां पानी कमर तक है और घरों में लोगों के पानी घुस गया। और तस्वीर देखिए कि यहां पर क्योंकि सड़क एक तरह से सैलाब की वजह से नदियां बन चुकी, इसलिए यहां पर कारें आप देखिए कि बीच में बंद हो गई और अब यहां पर रस्सी लगा दी गई। आप देखिए कि रस्सी लगाकर ताकि लोग इससे आगे न जाए। घरों में पानी गया, बेसमेंट में पानी जा चुका है और यहाँ लोगों के सामने काफ़ी मुश्किल है। कई जो कारें पानी के अंदर है और कॉलोनिया में जहां पर भी थोड़ी सी भी नीची कॉलोनी है
इस वक्त उनमें पानी जा रहा है, पानी के लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देखिए कि जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये आप देखिए ये तस्वीर देखिए कि यहाँ देखेंगे अजमेर रोड की, ये रानी सती नगर कॉलोनी है, और कॉलोनी की तस्वीर देखिए कि आप कारों में कहाँ तक ये कारें डूबी हुई है। पार्क है पूरा का पूरा पानी के अंदर है, पूरा दरिया बन चुका है ये पूरा इलाका। और वजह ये है कि क्योंकि पानी की निकासी का पानी यहाँ पर आ रहा है लेकिन निकलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, उसी वजह से ये पानी जमा होता जा रहा है। और तो अगर थोड़ी सी बारिश और हुई और पानी का फ्लो अगर पीछे से आया तो बेसमेंट में पानी जा चुका है, ऊपर घरों तक पानी जा सकता है, इसलिए काफ़ी मुश्किल। आप देखिए कि यहाँ से आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ से कोई गाड़ी जा सकती है। आम आदमी के लिए जिसके लिए पैदल गुजरना हो, यहाँ पर देखिए कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। ये हमारे सहयोगी भवानी थे, आप देखा आपने कि किस तरीके से आधे पानी में डूबे हुए हैं, यही शहर का हाल है उनके इस वक्त। जयपुर में निर्माण नगर की कॉलोनी में पानी भरने के बाद कुछ इलाकों में घरों में पानी घुस गया, कई घरों में पानी भरने से लोग परेशान हैं। हमारे सहयोगी ने ये देखिए जायजा लिया, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन अब आप ये तस्वीरें देखिए, जैसे राजस्थान में जयपुर समेत कई जगह पर झमाझम बारिश हुई, उधर अजमेर में भी हालात ऐसे ही है। तो आप देखिए कि ये तस्वीर देखिए कि यहाँ पर अंदर तक पानी पूरा अंदर आप देखिए कि यहाँ ये तस्वीर देखिए कि आप घर के अंदर पानी, आप ये घर की तस्वीर आप देखिए कि घर में सब कुछ पानी के अंदर डूबा हुआ है। ये आप देखिए कि किस तरीके से पूरे घर के अंदर इस वक्त पानी है। News 18 India चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।